लाइन में लगे हुए हैं, आप देख सकते हैं। और ये हमारे सारे साथ के लोग हैं, ये सभी लोग लाइन में लगे हुए हैं। ये प्रसाद भी ले लिए ये देख सकते हैं आप सभी के साथ कहीं जा रहा है घूमने के लिए। और फाइनली हम लोग रेडी हो गए दोस्तों, ये चश्मा वश्मा भी लगा लिया था लेकिन अभी निकाल लिया दोस्तों। और कहाँ जा रहे हैं सोनू अपन? उज्जैन जा रहे हैं। उज्जैन के लिए निकल रहे हैं दोस्तों पूरे परिवार से ही भोले बाबा के दर्शन करने के लिए। और दोस्तों और भी फैमिली जा रही है हमारे साथ में, और भी भाई साहब लोग जा रहे हैं और बच्चे भी जा रहे हैं दोस्तों। तो बस फाइनली हम लोग घर से निकलने वाले हैं। और आप लोग दोस्तों बने रहिएगा हमारा वीडियो में, देखते रहिएगा, लाइक करते रहिएगा और शेयर भी करते रहिएगा दोस्तों। और आपका सपोर्ट ही मेरे लिए बहुत बड़ा आशीर्वाद है दोस्तों। तो ठीक है दोस्तों, फाइनली ये बैग भी रेडी हो गया है। बैग दिखाओ, बॉटल, गर्म कपड़े हैं, स्नैक है बच्चों का। हाँ, ये बैग बच्चों का, स्नैक भी है उसमें। और हम लोग अभी हैं, किट्टू जाके गाड़ी में बैठेगी। और ये किट्टू के फ्रेंड्स सारे, और ये बच्चे लोग भी, पीहू भी जा रही है। पीहू देखो इधर, पीहू भी जा रही है। और गाड़ी आ गई है फाइनली, बच्चे लोग बस बैठने की तैयारी करने लगे, अपनी अपनी जगह में बैठेंगे ये। और बैठने रेडी हो गए, स्वेटर और पानी की बॉटल भी ले लिया हूँ बच्चों के लिए। और थोड़ी देर के बाद में हम लोग गाड़ी में बैठेंगे और सीधे जाएंगे कहाँ पे हम? उज्जैन। और ये भाई साहब भी जा रहे हैं साथ में, ये वाले भाई साहब। सभी बच्चे बैठ गए, आज ये वाली गाड़ी से जा रहे हैं। घर की गाड़ी छोटी पड़ेगी इसलिए बड़ी गाड़ी की है, तो इसमें ज़्यादा फैमिली जाएगी करके हमने बड़ी वाली गाड़ी कर दी, तो इसमें बैठ के जाएंगे दोस्तों। और थोड़ी देर के बाद में हम लोग निकलने वाले हैं कहाँ पे? उज्जैन की ओर। ठीक है दोस्तों, हाँ गाड़ी में बैठने वाले, थोड़ी देर के बाद गाड़ी में बैठेंगे। हाँ यहीं बैठ लो ना। और दोस्तों ये है लहसुन की खेती, और ये दोस्तों चने की खेती है। हाँ ये चने की खेती हुई है। अच्छा अच्छा, ये आ गए भाई, होगी वहाँ पे बहुत ज्यादा टेंडर खुले। हाँ ट्रेन है, मेट्रो, ये मेट्रो का काम चल रहा है दोस्तों यहाँ पे। और हम चल रहे हैं अभी इंदौर में, इंदौर से उज्जैन की ओर जा रहे हैं। और ये मेट्रो का काम चल रहा है, मेट्रो कॉरिडोर का। रास्ते में एक दुकान मिली, दुकान में हमने बच्चों के लिए कुछ चिप्स का पैकेट ले लिए है। और चिप्स का पैकेट लेते हुए सीधे हम लोग निकल रहे हैं। मेरे गाड़ी, और ये गाड़ी में बैठ के हम लोग सीधे जाएंगे उज्जैन। तो हम लोग ने यहाँ पे पानी भर लिए हैं और ढोली में पानी लेके आ रहा है। और यहाँ से हम लोग अभी बस निकलने वाले हैं, थोड़ा सा दूर है उज्जैन। हम बस अब थोड़ी देर के बाद में निकलेंगे। बच्चे लोग नन्नो किधर है? नन्नो नन्नो हाय हाय कर फोन में। आए ना सभी लोग। हम लोग भी आ गए, ड्राइवर साहब भी आ गए, हमारी कृपा है। और एक केक का वीडियो बनाने की तो अच्छी बना रहे हो ना। वीडियो सब अच्छा लगता है, तो मोबाइल पे दिख रहा है। खड़े हो यहाँ पे, खड़े हो बीच में, जब बना तो बीच। ये आ गया महाकाल का दरवाजा, महाकाल का गेट, और ग्रीन लाइट भी हो चुकी है। ये आ गए महाकाल बाबा का। हर हर महादेव।
की चार्ज हो गई अब बैटरी। भोले बाबा की नगरी में पहुंच चुके हैं हम लोग, पहुंचने वाले हैं। हम लोग ने गाड़ी इधर खड़ी कर दी है, थोड़ी देर के बाद में हम लोग अभी पैदल पैदल जा रहे हैं, थोड़ी देर के बाद में पहुंचेंगे कहाँ पे, काल भैरव जी के मंदिर। और देखते हैं दोस्तों बाकी स्थिति क्या है यहाँ पे। तभी मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा भीड़ है, और यहाँ से हम लोग करीबन 1 किलोमीटर दूर है, और यहाँ से हम पैदल पैदल जा रहे हैं। आप देख सकते चारों तरफ बहुत ज़्यादा हम महाकाल से पहुँच गए हैं, और आप देख सकते हैं हम लोग यहाँ पे प्रसाद लेंगे और काल भैरव बाबा को चढ़ाने के लिए ये। और यहाँ से चढ़ा के हम लोग काल भैरव के मंदिर। अब यहाँ से लाइन में लग लग के हम आगे बढ़ रहे हैं, और बहुत लंबी लाइन है यहाँ से निकल रहे हैं। भोले बाबा का प्रसाद ला लो क्या, आ गए हम लोग। धीरे 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 आगे बढ़े, भीड़ क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा है। ये सामने है पीछे आएंगे तो यहाँ से वहाँ तक सारी मसाले लगे हुए ये, और भीड़ काफ़ी देखने को मिल रही है बहुत ज़्यादा हुए हैं। ले 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 जय श्री महाकाल। महाकाल की नगरी में पहुंच चुके हैं हम लोग, और आप देख सकते हैं यहाँ का नज़ारा, ये बहुत ज़्यादा भीड़ है क्योंकि अभी छुट्टी का समय चल रहा है। जिससे लगे हुए हैं आप देख सकते हैं, और ये हमारे सारे साथ के लोग हैं, ये सभी लोग लाइन में लगे हुए हैं, ये प्रसाद भी ले लिए। ये देख सकते हैं आप सभी के सभी लाइन से लगे हुए। यहाँ की दुकान आप देख सकते हैं कितनी सजी हुई है बहुत ज़्यादा, और यहाँ पे तरह तरह के फोटो लगे हुए हैं, माला पूजा की सामग्री, और भीड़ बहुत ज़्यादा है दोस्तों। ये महाकाल की नगरी में कितनी भीड़ है यहाँ पे काल भैरव मंदिर में दर्शन करने के लिए, श्रद्धालु बहुत दूर दूर से आए हुए हैं, लेकिन आप भीड़ देख सकते हैं बहुत ज़्यादा भीड़ है ये। और ये पूरे बैरियर बने हुए दोस्तों, और ये बैरियरों के नीचे से जाना पड़ेगा, कम से कम 4 घंटे लाइन में लगना पड़ेगा, और आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा भीड़ है। और उन लोग तो ये बाहर आ गए हैं क्योंकि दोस्तों बहुत ज़्यादा भीड़ होने के कारण इन लोग तो बाहर आ गए हैं, और ये भीड़ आप देख सकते हैं बहुत ही ज़्यादा भीड़ है। मैं और दिखाना चाहूँगा भीड़, महाकाल की नगरी में बहुत ज़्यादा भीड़ है ये।